वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का मैथ्स की वेब सीरीज के अगले एपिसोड में। ओहो, तो सब बच्चा लोग आ गया ना क्लास में, कि कौनो अभी भी कोल्ड ड्रिंक ही पी रहा है। ओ भैया लोग, अगर कोल्ड ड्रिंक पी गया हो तो क्लास स्टार्ट किया जाए। क्यों करें स्टार्ट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड में अपन क्या करेगा, अपन खेलेगा किसके साथ? नंबर्स के साथ। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द फर्स्ट प्ले ऑफ नंबर्स, विच इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो बच्चों, अगर बहुत सारे नंबर्स के तीर मतलब कि एरोज अगर तुम लोगों की तरफ फेंके जाएं और बोला जाए कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर वाला और सबसे छोटे नंबर वाला तीर आप लोगों को पकड़ना है, तो कैसे पकड़ोगे आप लोग? एनी आइडिया? नो आइडिया? तो चलो देखते हैं कि कैसे पकड़ना है। तो इतना तो सब लोगों को ऑलरेडी पता ही है ना कि जो 10 सिंगल डिजिट नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक, इनमें से 0 सबसे छोटा और 9 सबसे बड़ा होता है। पता है ना सबको? तो अगर इन सिंगल डिजिट नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 0 इज द स्मॉलेस्ट, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 एंड देन 9। इस तरीके से जो 9 है वो सबसे बिगेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है। तो ये तो रहा अपना सिंगल डिजिट नंबर्स का कंपैरिजन। बट बच्चा लोग, अगर अपन को 2 डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट के नंबर्स का कंपैरिजन करना हो तो कैसे करेगा अपन लोग? तो अपन क्या करता है, इस टाइप के नंबर्स के कंपैरिजन को 2 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड करता है, ठीक है ना? तो फर्स्ट इज जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर विल बी द डिफरेंट, ओके, एंड सेकंड इज वेयर द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर्स आर द सेम, ओके। तो दोनों टाइप्स के कंपैरिजन को अपन लोग एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ कंपैरिजन, जहाँ पे नंबर्स ऑफ डिजिट विल बी द डिफरेंट, ओके। तो ये रहा अपन का एग्जाम्पल, टिंग टिंग। 32, 322, 4563, 32,426, 987,896, ओके। तो इस टाइप के नंबर कंपैरिजन में अपन को करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को सारे नंबर्स के नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं, ठीक है ना? तो चलो काउंट करते हैं। तो 32, इसमें कितने डिजिट्स? 1, 2 डिजिट्स। 322, इसमें कितने हैं? 1, 2, 3 डिजिट्स। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4 डिजिट्स, ओके। अब इसमें कितने हैं? 5 डिजिट्स, एंड इसमें 6 डिजिट्स। तो अब अपन ने सबके नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लिए हैं और उसके सामने लिख भी लिया है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट होते हैं वहाँ नंबर्स कंपैरिजन का एक बेसिक सा फंडा है। तो जिस नंबर में भी सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स वही नंबर सबसे छोटा, और जिस नंबर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स वो नंबर सबसे बड़ा। तो चलो इस एग्जांपल में देखते हैं कि कौन सा नंबर सबसे छोटा और कौन सा नंबर सबसे बिगेस्ट, ठीक है ना? तो 32 में 2 डिजिट्स, इसमें 3 डिजिट्स, इसमें 4 डिजिट्स, इसमें 5 डिजिट्स, इसमें 6 डिजिट्स। तो सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें हैं? 32 में 2 डिजिट्स। तो अपना ये जो 32 नंबर है यही नंबर सबसे छोटा होगा, ठीक है ना? अब अपन लोगों ने सबसे छोटा नंबर तो ढूंढ लिया है, अब इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो जिसमें इससे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो नंबर इससे बड़ा होगा। तो 322 में 3 डिजिट्स हैं, तो ये नंबर इससे बड़ा। इसके बाद ये 4 डिजिट वाला नंबर, इसके बाद इससे बड़ा ये 5 डिजिट वाला नंबर, उसके बाद सबसे बड़ा ये 6 डिजिट वाला नंबर, ठीक है ना? तो इस तरीके से इस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट हैं, इसलिए ये नंबर सबसे बड़ा। क्लियर है ना?
ठीक बात ना? बिल्कुल। चलो अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकली और भी समझते हैं। इतना तो आप सब लोगों को पता है ना कि 8 और 18 इनमें से कौन बड़ा है? 18। क्यों? क्योंकि इसमें दो डिजिट्स हैं और इसमें एक सिंगल डिजिट है, ठीक है ना? और इसी तरीके से जैसे 99 एंड 100, इसमें कौन सा बड़ा है? 100। तो क्लियर हुआ ना कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स, वही नंबर सबसे बड़ा। सो छोटू लोग, कंपेरिजन ऑफ नंबर्स, जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट, ये तो हलवा था बिल्कुल, गपा गप खा लिया। अब देखते हैं टाइप टू वाले भैया, अब ये हैं थोड़े से टेढ़े मेढ़े, अब आएगा मजा। मतलब कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर ऑफ डिजिट्स आर द सेम। ओके, तो चलो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये रहा केबीसी का एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक से, सिंगल डिजिट से, ठीक है ना? तो 3 और 7 में बड़ा कौन? अरे सर, ये तो सबको पता है, सठिया गए हो क्या आप? पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। 7 बड़ा है और कौन सा बड़ा है, ये तो सबको ही पता है। अच्छा बेटा, ज़्यादा उड़ो नहीं, अभी अगला बताओ। 23 एंड 16, इनमें से कौन बड़ा है? सर 23 बड़ा है। मगर बेटा 23 क्यों बड़ा है? अरे सर, काउंटिंग करते टाइम ना 23 बाद में आता है 16 के, इसीलिए बड़ा है। आप पता नहीं पगला गए हो, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो। ओहो, बाद में आता है इसलिए बड़ा है, तो ये बात है। बट अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे नंबर अगर दिए हुए हैं और बहुत बड़े बड़े नंबर भी दिए हुए हैं, तो कैसे पता करोगे कौन सा नंबर बाद में आता है और कौन सा नंबर पहले आता है? बताओ जरा मुझे, क्या हुआ, साइलेंट मोड में चले गए क्या? अच्छा तो चलो अब हम बताते हैं कि कौन सा नंबर बाद में आता है, कौन सा पहले आता है, कौन सा नंबर छोटा होता है और कौन सा नंबर बड़ा होता है, इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना? तो इस टाइप के कंपैरिजन में जहाँ पे नंबर्स ऑफ डिजिट सेम होते हैं, उनको कंपेयर करने के लिए नंबर्स को पहले प्लेस फॉर्मेट में रखते हैं। तो यहाँ पे 16 एंड 23, दीज आर टू डिजिट्स नंबर, ठीक है? मतलब कि दो प्लेसेस, वंस मतलब कि यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस, दोनों को ही प्लेस फॉर्मेट में रख देते हैं, ठीक है ना? अब हमको ये तो पता ही है ना कि वंस प्लेस एंड 10th प्लेस में किस प्लेस की वैल्यू ज़्यादा होती है। वंस प्लेस की वैल्यू होती है 1 एंड 10th प्लेस की वैल्यू होती है 10। तो सबसे पहले अपन देखेगा कि दोनों नंबर 16 एंड 23 में 10th प्लेस पे दोनों नंबर्स में कौन कौन सा डिजिट है। तो 16 में कौन सा डिजिट है? 1। और 23 में कौन सा डिजिट है? 2। तो बड़ी प्लेस में, जो कि यहाँ पे क्या है, 10th प्लेस, जिस भी नंबर में डिजिट बड़ा, वही नंबर काउंटिंग में बाद में आएगा और वही नंबर बड़ा भी होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे 16 में 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट? 1। एंड 23 में 2। तो कौन सा नंबर बड़ा, 2 वाला या 1 वाला? 2 वाला, मतलब कि 23 इज बिगर देन 16। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल क्लियर हुआ। और ऐसे में जब हम 10th प्लेस पे कंपेयर कर लेते हैं और अपने को रिजल्ट मिल जाता है कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमको अगले प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पे कंपेयर करने की कोनो जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना? क्लियर हुआ बिल्कुल। मगर सर, अगर ऐसा होता कि 10th प्लेस पे दोनों में डिजिट सेम होते, तब क्या करते अपन लोग? बहुत ही आसान बच्चा लोग, हम क्या करते, हम मेढक बन जाते और टप से उछल के यूनिट प्लेस पे पहुंच जाते और वहां पर देखते कि किस नंबर का डिजिट बड़ा और किसका छोटा, जिसका बड़ा वो नंबर बड़ा और जिसका छोटा वो नंबर छोटा। सर ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है हवा में, एग्जाम्पल से समझाओ। ठीक बा, एग्जाम्पल भी देख लो। तो ये रहा अपन का एग्जाम्पल, 36 एंड 39। तो पहले इसको प्लेस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो चलो अब 10th प्लेस पे दोनों में कंपैरिजन करते हैं, दोनों में ही 3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब अपने अंदर के मेढक को जगाएंगे और कूदते हैं यूनिट प्लेस पे। अब यूनिट प्लेस पे कंपेयर करते हैं, तो 36 में यूनिट प्लेस पे 6 एंड 39 में यूनिट प्लेस पे 9। अब बच्चा 6 और 9 में कौन सा बड़ा है? सर 9 बड़ा है। तो फिर कौन सा नंबर बड़ा होगा? 39 बड़ा होगा। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल।
यस, तो यहाँ पे 39 बड़ा होगा और 36 छोटा होगा। अब तो बिल्कुल क्लियर है ना कि कैसे कंपेयर करते हैं। गुड, अब खुश तो बहुते होगे तुम लोग। तो अब ऐसा करते हैं ना, अब रहा अपन का ये बड़ा वाला एग्जाम्पल, अब इसमें कंपेयर करके दिखाओ आप लोग कि कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है ना। तो ये रहा एग्जाम्पल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, टिंग टिंग। तो क्या करेंगे अपन लोग, अपन लोग सबसे पहले इन सब को प्लेस फॉर्मेट में उतार देते हैं लाइन से। तो ये रहा प्लेस फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब इन नंबर्स में सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है, 100th प्लेस। तो 100th प्लेस पे सारे नंबर का डिजिट्स का कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। ये क्या सर, ये तो सारे ही नंबर्स पे 3-3 ही आ रहा है 100th प्लेस पे। तो कोनो बात नहीं, अपने अंदर के मेढक को जगाते हैं और कूदते हैं 10th प्लेस पे, फचाक। अब 10th प्लेस पे देखते हैं, तो ये नंबर और ये नंबर इन दोनों में आया 6, और इसके बाद इस नंबर में 5, इसमें 5 और इसमें भी 5। तो 6 वाले जो दो नंबर होंगे वो 5 वाले तीनों ही नंबर से बड़े होंगे। मगर हमको क्या करना है, हमको अभी सबसे बड़का ढूंढना है, छुटके से तो हम बाद में निपट लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, ये छोटे वाले तीनों नंबर है ना, इनको अभी अपन लोग साइड में रख देते हैं, ठीक है ना, इनसे तो बाद में निपट लेंगे, पहले बड़े वालों से निपटते हैं। तो चलो बड़े वालों में से 10th प्लेस पे देखते हैं कि दोनों में 6-6 है। तो अब क्या करेंगे, तो अब फिर से मेढक को बुलाएंगे, मेढक राज कूदो। तो चलो अब यूनिट प्लेस पे आ गए, अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो एक नंबर में 6 और इसमें 3, तो 6 और 3 में कौन सा बड़ा, 6 बड़ा। तो अगर 6 बड़ा तो नंबर कौन सा बड़ा, 366। ओके क्लियर, अब तो क्लियर हो गया ना। तो सबसे बड़का नंबर इसमें कौन सा हुआ, 366। अब चलो अब उनको जो कोने में रखे हुए हैं ना छोटे छोटे वाले, उनसे मिलते हैं और अब ढूंढते हैं कि सबसे छुटका नंबर कौन सा है, ठीक है ना। तो अपन लोगों ने क्या देखा था कि 10th प्लेस में सब में 5 आ रहा था, तो यहाँ से तो अपना कोनो पर्पस सॉल्व हो नहीं रहा है। तो फिर से मेढक को बुलाते हैं, मेढक महाराज जरा कूदो तो यूनिट प्लेस पे। जी सर। तो चलो आ गए हम यूनिट प्लेस पे, अब देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे किस में कौन कौन से डिजिट्स हैं। तो एक में आया 6, इसमें 8 और इसमें 1। तो यूनिट प्लेस में 6, 8 और 1 में कौन सा नंबर सबसे छोटा है, तो ये 1 वाले भैया निकले सबसे छोटे। तो इस एग्जाम्पल में जो 351 वाले भैया हैं वो हैं सबसे छुटके भैया, और जो 366 वाले भैया हैं वो हैं सबसे बड़के भैया। तो अच्छा अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होते हैं नंबर्स में तो किस तरीके से उनका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है ना बिल्कुल। तो इन जनरल टर्म्स जब भी हमको किसी भी भीड़ में नंबर्स का कंपैरिजन करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, ठीक है ना। अगर आप नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम तो सबसे छोटा नंबर, और अगर नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा तो सबसे बड़ा नंबर। अब अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है फिर भी कंपेयर करना है तो उन नंबर्स को अपन प्लेस फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर सबसे लेफ्ट साइड की प्लेस से, मतलब कि सबसे बड़े वाले प्लेस से, हर एक नंबर के डिजिट्स का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। जिस नंबर का उस प्लेस पे डिजिट बड़ा वो नंबर बड़ा, और अगर डिजिट सेम आ रहा है उस प्लेस पे तो जासूस मेढक को जगाएंगे, राइट साइड में कूदेंगे अगली प्लेस पे, फिर डिजिट का कंपैरिजन करेंगे। एंड ऐसा तब तक करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक बड़का नंबर का अपराधी और छुटका नंबर का अपराधी दोनों को ही धर दबोच न लेंगे, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना कि इसको कैसे करते हैं। तो चलो एक बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं 4 डिजिट वाला, टिंग टिंग। तो ये रहा एग्जाम्पल 4 डिजिट का। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को इसको प्लेस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है ना। तो चलो ये रहा प्लेस फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन। अब क्या करना है सर, अब अपने मेढक जासूस को बुलाना है और 1000 प्लेस पे बैठा देना है,
और उसको बोलना है कि सारे नंबर्स के डिजिट्स चेक करो, किस नंबर पे कौन कौन सा डिजिट है। तो दो नंबर्स पे डिजिट आया 1 1, एंड बाकी तीनों में 8 8 एंड 8। तो अब ये जो 1 1 वाले हैं ये तो निकले छुटके, और जो 8 8 वाले हैं ये होंगे बड़े वाले नंबर्स। तो अपन क्या करते हैं, पहले 1 1 को तो कुन्ने में रख देते हैं, छोटे भाइयों से बाद में भी निपट लेंगे, पहले किन से बड़े वालों से निपटना है। तो चलो अब मेढक महोदय 8 8 8 पे ध्यान देते हैं, ओके। मगर ये तो सब सेम है, तो अब क्या करेंगे, मेढक जी जंप 100th प्लेस पे। अब यहाँ पे देखते हैं डिजिट्स, इस नंबर पे 1, इस पे 0, इस पे 2। आहा, मेढक को मिल गया शिकार, ये जो 2 वाला है यही सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह से इन नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा 8210, ओके क्लियर। तो अब चूंकि अपन लोग बड़े लोगों से निपट चुके हैं, तो अब चलते छुटके वालों को निपटा देते हैं। तो मेढक जी जरा ये छोटे वालों को पकड़ो। तो चलो अब इनके 1000 प्लेस पे चेक करते हैं, दोनों पे 1 1, नो पर्पस सॉल्व, देन जंप 100 प्लेस पे। यहाँ पे क्या निकलता है, दोनों पे 8 8। अरे यहाँ पे भी सेम है, फिर से जंप करते हैं 10th प्लेस पे, यहाँ पे क्या है 0 0। अरे फिर से सेम है, अब क्या करते हैं, मेढक को अब की बार और भी जंप करना पड़ेगा। आप चलते हैं यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे क्या है 1 एंड 8। आहा, बड़ी देर में मिला है, तो 1 वाला छोटा और 8 वाला बड़ा, मतलब कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 1801, क्लियर। सो इस तरीके से इस एग्जाम्पल में सबसे छोटा नंबर 1801 एंड सबसे बड़ा नंबर 8210, क्लियर। आहा, तो इस तरीके से आप लोगों ने नंबर्स के कंपैरिजन में तो मास्टरी हासिल कर ली लग रहा है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स मतलब कि नंबर्स को एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो बच्चा लोगों, आप लोगों को नंबर्स कंपैरिजन तो आप सब लोगों को आता ही है, तो क्या आप लोग नंबर्स को अरेंज नहीं कर पाएंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में? अरे सर, ये क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, जब पता होगा ये क्या होता है तभी तो अरेंज कर पाएंगे ना। हाँ जी बच्चा लोग, अरेंजमेंट करने से पहले ये तो जान ही लोगी क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड रन टूवर्ड्स द ग्रेटेस्ट, मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, मतलब कि अगर भीड़ में बहुत सारे नंबर दे दिए जाएं तो आप लोगों को सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और इस तरीके से आखिरी में सबसे बड़ा। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा अपन का असेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में 6 इज द स्मॉलेस्ट, उसके बाद 11 उससे बड़ा, फिर 14, फिर 23, फिर 123, फिर सबसे बड़ा 656। ओके, अब तो क्लियर हो गया ना कि असेंडिंग ऑर्डर्स किसको कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि माउंटेन में ऊपर की तरफ चढ़ना, क्लियर। तो चलो अब डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट उल्टा, मतलब कि माउंटेन से उतरना, मतलब कि घटते हुए क्रम में अरेंज करना। तो अगर आप लोगों को बहुत सारे नंबर दे दिए जाएं, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, इसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है, लास्ट में सबसे छोटा, क्लियर हुआ ना। तो चलो एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। तो इन सारे नंबर्स में 40 जो है वो सबसे बड़ा है, इसके बाद 36, इसके बाद 33, इसके बाद 29 एंड 21 सबसे छोटा है। तो बच्चा लोग ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट। ओके, तो अब तो क्लियर हो गया ना कि क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो अब तो आप सब लोग कर लोगे बिल्कुल एग्जाम्पल, है ना। तो अब प्रस्तुत है कौन बनेगा पढ़ाई पति में आप सबके सामने अरेंजमेंट के क्वेश्चंस,
कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन पेश किया जाए। अच्छा, तो अब तो अपन सब लोगों को कंपैरिजन ऑफ नंबर्स तो पता ही है कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा। और अब तो आप लोगों को अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर भी पता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, कि ये जो अरेंजमेंट के क्वेश्चंस है ना, ये तुम लोग खुद ही करोगे। एंड घर पे बैठ के कोनो भी बंदा चीटिंग नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है ना? तो आज बस इतना ही वेब सीरीज के एपिसोड में, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। Thank you.